अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो इलाही जमातें होती हैं जिनको अल्लाह ताला की तायीद हासिल होती है, उनके अंदर जो खिदमत खल्क करने वाले लोग हैं, इस्लाम का बोलबाला करने के लिए अपनी जानें पेश करने वाले लोग होते हैं, तो शहादत का जो मर्तबा है वो बार बार इन जमात के लोगों को मिलता रहता है। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो साहिबजादा अब्दुल लतीफ़ साहब को जो शहादत का अजीम मर्तबा हासिल हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में, कभी अमेरिका में, कभी इंडिया में, कभी बांग्लादेश में, इवन के यूरोपियन ममालिक में भी अहमदिया जमात से तल्लक़ रखने वाले बुज़ुर्गों को, बच्चों को, इवन के ख़वातीन को भी शहादत का मर्तबा हासिल होता रहा। अभी जो यमन मुल्क है वहाँ पे एक पहले अहमदी की शहादत का सुनने में आया है, तो वहाँ वो डॉक्टर थे जो शहर सना में, और ये उनके जो अजीज़ हैं वो बता रहे हैं, उनकी इतला के मुताबिक ये शहादत पहली शहादत है जो वहाँ उस मुल्क में हुई है। आप सुने और फिर उसके बाद आप देखें, चंद दिन कबल यहाँ जर्नी में एक दोस्त फौजुल अजीम साहब वफात पा गए थे, उनकी नमाज जनाजा और फिर उनका जिक्र खैर सुना गया, उनकी जो डेड बॉडी है पाकिस्तान ले जाई गई, वहाँ उनकी जो तदफीन के सारे मराहिल हैं वो भी आप देख रहे हैं। साथ साथ आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा कर दिए गए हैं इस इलाही जमात के ख़िलाफ़, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल कबल बिगड़े हुए उलमा की बात की थी, उनके ज़ेरे साया रह के अब लोग जिनके इलम में ही नहीं है कि जमात अहमदिया के कायद क्या हैं, वो सिर्फ़ सुनी सुनाई बातों पे आगे मुखालफत बढ़ाए चले जाते हैं, तो वहाँ नमाज जनाजा पढ़ाने से भी जो है वो उनको तकलीफ़ पहुँचती है, और फिर इवन तदफीन करने में भी उन लोगों को जो है उनके जज्बात मजरूह होते हैं और उनको इश्तियाल आता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह के फजल से इनकी तदफीन जो है वहाँ हुई, और उसके लिए मनाजर आप देखें, और पहले आप ये जिनके अजीज़ वहाँ सना में शहीद हुए हैं, जिनका नाम मंसूर अलशबूती था, डॉक्टर थे, उनसे ये सुने और फिर बाकी साथ साथ मनाजर देखें, वो जो फौजुल अजीम साहब की जो वहाँ तदफीन हुई पाकिस्तान में। हमारी बड़ी बहन जो है अदन में, शुभती, मिसेस शुभती बहनोई थे, महमूद अब्दुल्ला शुभती, ये इनका बड़ा बेटा है, इसको सना में डॉक्टर था, इसको होतीस ने जो है वो किडनैप किया था 2 हफ्ते पहले, फिर उसके बाद टॉर्चर किया बहुत, वो बींग एम डी, ये पहला शहीद वहाँ पे है, वो 2 हफ्ते बाद, एक हफ्ता पहले, पिछले हफ्ते पहले वो वापस पता लगा, लेकिन उस वक्त तो जब वो हॉस्पिटल लाए हैं उसको तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो नहीं वो सरवाइव कर सका, कल उसकी तदफीन हो गई। ये भांजा मेरा बड़ा, एक मामू का अपने भांजे की शहादत के मुतल्लिक ये बयान आपने सुना, बाकी ये आप मनाजर देख रहे हैं कि किस तरह हर इंसान इस दुनिया में आता है अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, वो उसको बाज़ औक़ात परदेस में हिजरत भी करनी पड़ती है, फिर वहाँ परदेस में काफ़ी अरसा गुजरने के बाद मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने जितना वक्त मुकर्रर किया होता है मौत आन लेती है, फिर बाज़ लोगों को ये सआदत हासिल होती है कि वो अपने देश में वापस आके मदफून होते हैं, उनकी वहाँ तदफीन होती है, बाज़ फिर परदेस में ही दफन कर दिए जाते हैं। बहरहाल ये तो एक अटल हकीकत है कि हर इंसान के ऊपर ये वक्त आना है, लेकिन आपको बहरहाल इस वक्त जो आप ये मनाजर देख रहे हैं, ये मोहतरम फौजुल अजीम साहिब की जो तदफीन है पाकिस्तान में उसके मनाजर हैं। मैं फिर एक तोहफा बता दूं कि हम जो परदेस में आबाद हैं, यही सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे देश के लोगों को इतनी फहम और अकल अता करे कि हमारा दावा है
कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल आलमीन यानी पूरी दुनिया के जितने आलम इन सब के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, हम उनको मानते हैं, हम उनकी उम्मत कहलाते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये इतना जो जहर दूसरे बाज़ अकायद की बुनियाद पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ भर दिया गया है, ये कहाँ से आया? कौन है वो लोग जिन्होंने अमन और आराम से रहने वाली कौम के अंदर इंतशार पैदा कर दिया है? एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाते हैं, मसाजिद के ऊपर लिख देते हैं कि इस मस्जिद में फलां मसलक का इंसान नमाज़ पढ़ने के लिए ना, फिर इससे बढ़कर मसाजिद के मीनारों पे हमले, मेहराब तोड़ना, कब्र के कतबे तोड़ना, फिर कब्रों को खेड़ना और तदफीन ना होने देना। अल्लाह ताला फहम और अकल दे, क्योंकि खुदा ताला की तरफ से जो अजाब है वो किसी भी वक्त आ सकता है अगर मुसलमान अपने आप को ना बदलें। एक ना एक दिन पेश होगा तू फना के सामने, एक ना एक दिन पेश होगा तू फना के सामने, चल नहीं सकती किसी की कुछ कज़ा के सामने।